रुपए को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और वो भी बगैर उसे हिलाए हुए, इसके लिए ना तो बैंकों की जरूरत है और ना ही करेंसी एक्सचेंज की, ना तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही फीस देनी है। होगा तो एक वो जो रुपए भेजेगा, दूसरा वो जिसके पास रुपए आएंगे और बीच में कम से कम दो मध्यस्थ। ये हवाला कारोबार है जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम आने से बहुत पहले भी था और अपने इस्तेमाल करने में आसानी और संलिप्त लोगों को मिलने वाले कई फायदों की वजह से सदियों से चला आ रहा है। इसके जरिए दुनिया भर में लाखों डॉलर इधर से उधर किए जा सकते हैं, ये जाने बगैर कि राशि कितनी है और इसे नियंत्रित कौन कर रहा है। रुपए को दुनिया की एक जगह से दूसरी पर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण का नाम ही हवाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए या जिसे मध्यस्थ कह सकते हैं उसकी होती है, क्योंकि ये बिचौलिए शायद ही कभी किसी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। तो ये वो हैं जो हवाला के जरिए रुपया कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, इसे पता लगाने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं और खुद को संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन, नशीले पदार्थों की तस्करी यानी ड्रग ट्रैफिकिंग और चरमपंथी संगठनों के वित्त पोषण के लिए भी भाड़े पर दे सकते हैं। हवाला आया कहां से, हवाला की शुरुआत कब हुई ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे 8वीं शताब्दी से सिल्क रूट के तहत भारत से जोड़ते हैं। लेकिन सिल्क रूट पर अक्सर चोरी और लूट होती थी, इसलिए भारतीय अरब और मुस्लिम व्यापारियों ने अपने मुनाफे की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। हवाला का अर्थ है के एवज में या के बदले में। व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे जो कि कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। आज तकनीक के मामले में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसी आसानी से हवाला के काम को करना भी आसान हुआ है। आज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए पासवर्ड की जगह कोड भेजे जाते हैं, लिहाजा बिचौलिए भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के समानांतर इसे भी बेहद आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये लेन देन गुप्त तरीके से क्यों किए जाते हैं? मैड्रिड के पोंटिफिसिया कोमिला यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अल्बर्टो प्रिगो मोरेनो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ये घोषित पैसा नहीं होता है या पूरी तरह से वैध नहीं होता। कई बार यूजर टैक्स देने से बचता है, वहीं जब वो बतौर रिमिटेंस ये पैसा दूसरे देश में भेजता है तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बतौर कमीशन बिचौलिया कम से कम पैसा रखे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से दूसरे देश में स्थित अपने परिवार को पारंपरिक तरीके से पैसा भेजना चाहता है तो इसके लिए उसे कई मांगों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक निश्चित राशि होनी चाहिए आप खाता खोल सकें, इसके लिए आपके पास आपकी पहचान, आपकी कानूनी स्थिति आदि जैसे कुछ दस्तावेज होने चाहिए। अन्य मनी ट्रांसफर सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आपसे 20% तक कमीशन ले सकती है। चाहे मामला कोई भी हो, यूजर को कई नियंत्रणों से गुजरना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों से बचा जा सके, लेकिन हवाला में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। प्रिगो मोरेनो कहते हैं कि ये इतना अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता तक पैसा अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच जाता है और बतौर कमीशन भी कम देना पड़ता है। बिचौलिए के लिए उसका नेटवर्क अच्छा होना बेहद जरूरी है। जितना अधिक आपके पास कॉन्टैक्ट होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, लिहाजा बहुत कम चार्ज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के कानूनी इतिहास विभाग के संयोजक मारीना मार्टिन कहती हैं कि पहले के ज़माने में हवाला और उसके जैसी ही हुंडी बेहद लोकप्रिय अवधारणा थे और आज की तारीख में इसकी समझ बदल गई है क्योंकि वो आधुनिक बैंकिंग से अलग काम करते हैं। पारंपरिक हवाला व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसे का लेन देन कौन कर रहा है ये सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की पकड़ से बाहर रहता है। ये तथ्य कि लेन देन के बहुत कम या बिल्कुल ही कोई रिकॉर्ड का ना होना इन पैसों की हेरफेर को पकड़ने में एक बाधा है। 2018 में संगठित अपराध और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक जांच में कहा गया था कि दुबई में हवाला जैसे गैर पारंपरिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में लाखों विदेशी कामगार भारत, फिलीपींस जैसे देशों में अपने परिवार को पैसा भेजते रहे हैं। फरवरी 2016 में अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट ऑफिस यानी DEA ने कोलंबिया और हिजबुल्ला संगठन के बीच यूरोप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी का संबंध उजागर करते हुए बताया था कि लाखों यूरो और ड्रग्स की लेन देन की गई है। DEA के दस्तावेजों के मुताबिक लेबनान के रास्ते लाखों के ड्रग्स मध्य पूर्व पहुँचाए गए और इसके बदले में हवाला के जरिए यूरो कोलंबिया भेजे गए।
पूर्व अफ्रीका खासकर सोमालिया में हथियारों के तस्कर हवाला का इस्तेमाल कर लाखों डॉलर इधर से उधर करते हैं। अर्थव्यवस्था में संभावित वैश्विक सुधार के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक माध्यमों जैसे कि हवाला से निम्न और मध्य आय वाले देशों को भेजे जाने वाली रेमिटेंस की राशि 2021 और 2022 में और भी बढ़ जाएगी।